हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। और दोस्तों आज मेरे पास आया एक आईफोन 11 प्रो मैक्स, जिसका दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका बैक ग्लास है। तो देख सकते हो दोस्तों का बैक ग्लास जो है कि पूरा का पूरा डैमेज है, टूट चुका है। तो आज दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके बैक ग्लास को कैसे रिप्लेस किया जाता है और क्या क्या चीज़ दोस्तों ध्यान रखनी पड़ती है इसके बैक ग्लास को चेंज करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये एक बैक ग्लास है जिसका आईफोन 11 प्रो मैक्स का, ठीक है। ये है बैक ग्लास जो अच्छी क्वालिटी का ही है, ठीक है। तो ये हम इसमें फिट करेंगे, इसी कलर का है, तो इसको सेट कर देते हैं। तो अब दोस्तों इसको हम जो बैक ग्लास जो होता है इसका, ये बहुत ही मजबूत चिपका हुआ होता है, तो इसको निकालने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों आजकल तो मशीनें आ गई, लेज़र मशीन आ गई है, वो तो हमारा काम आधे घंटे के अंदर हो जाता है, लेकिन हम जो काम करेंगे वो हाथों से करते हैं तो उसे बहुत टाइम लगता है। दोस्तों इसके लिए आपको पतले ओपनर चाहिए, प्लेटें चाहिए, पतली बहुत पतली, मतलब दोस्तों प्लेटें चाहिए, या कोई भी चीज़ हो आपके पास हो तरीके से वो चाहिए, चाहे प्लेट ले लो, ओपनर ले लो, ठीक है। तो उससे करना है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको SMD मशीन का यूज़ करना है ताकि इसको आप गर्म कर करके इसके जो ग्लू होती है उसको काट सको, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये जो हाथों से काम होता है तो इस काम को करने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि दोस्तों ये बैक ग्लास जो है निकालना होता है, तो निकालने के में दोस्तों निकालने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, इसमें करीब 2 से 2.5 घंटे इसमें लग जाते हैं सिर्फ निकालने में। तो दोस्तों आप सोचोगे कितना लंबा टाइम कैसे लगता है, तो दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ, इस काम में लग जाते हैं, इसलिए लेज़र मशीनें बनाई गई हैं, लेकिन मशीनें नहीं हैं, बिना मशीन में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो दोस्तों कभी कस्टमर आया तो कस्टमर को आप मैक्सिमम 3-4 घंटे का टाइम दे के रखिए, क्योंकि इसमें टाइम लग ही जाता है इस काम के अंदर, कि तसल्ली से करते हैं, ओके। तो दोस्तों मैं अब इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट करूँगा कि काफ़ी टाइम लग गया था, तो चलिए देखते हैं कैसे हमने इसके बैक ग्लास को निकाला है, ओके।
दोस्तों हमने सारा ग्लास जो है कि निकाल लिया है। और दोस्तों जी यहाँ पे हमारा जो कैमरा है, तो कैमरे के जो ग्लास होता है इसको निकालने में दोस्तों काफ़ी समय लग जाता है। बहुत ही यहाँ पे बस दोस्तों बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है कि कैमरे का ग्लास कैसे तोड़ना है, क्योंकि दोस्तों इसमें कैमरे का लेंस टूटने का डर रहता है और कैमरे की जो चूड़ी है गोल वाली ये भी बाहर निकल सकती है। तो आपको बड़े ही ध्यान से बस कैमरे की साइड आपको बड़े ध्यान से निकालना है, वरना कैमरा ये जो लेंस है वो टूट सकता है। अगर आपको वैसे काम करना है तो आप कैमरा और डिस्प्ले निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने निकाला नहीं है, मैंने ऐसे ही कर दिया है। तो फिलहाल सही सा ठीक ठाक निकाल दिया है, लेकिन दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी दोस्तों, इसलिए मैं पूरा नहीं बना सकता था, मैंने फॉरवर्ड कर दिए, क्योंकि दोस्तों इतना लंबा नहीं समझा सकता, आप भी बोर हो जाते। तो बाकी जो दोस्तों मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है क्या क्या ध्यान रखना होता है। ओके, तो दोस्तों आप पूरा जो ग्लास है जैसे मर्जी तोड़ निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों ये जो वायरलेस चार्जर है और हमारा बैक कैमरा, बस इन्हीं दो चीज़ों पे ध्यान से निकालना पड़ता है। अगर वायरलेस चार्जिंग कट गई तो वायरलेस चार्ज वर्क नहीं करेगा। और दूसरा दोस्तों ऊपर कैमरा है जहाँ पे है, तीनों कैमरे के पास जो ग्लास होता है उसको बड़े ही ध्यान से बहुत ही धीरे दोस्तों निकालना पड़ता है, जिससे कि वो लेंस टूटे ना दोस्तों, बहुत बारीक होते हैं यही चीज़ें। अगर इसमें अगर टूट गया तो बैक कैमरे के अंदर निशान आ जाएगा और बैक कैमरा हमारा ख़राब हो सकता है। ठीक है, यही चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली हैं। कभी भी बैक ग्लास निकालो किसी भी आईफोन का, तो उसमें कैमरे की साइड बड़ा ध्यान रखना, कैमरा नहीं तो रिंग के साथ कैमरा बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों अब ऑन करके चेक करते हैं कि ऑन हो रहा है, तो दोस्तों ऑन तो है। ठीक है, तो हमने दोस्तों फ़ोन को तो खोला नहीं था, नहीं तो मैं तो सोचा था कि फ़ोन खोल के करूँ, क्योंकि डिस्प्ले निकाल के कैमरा निकाल के करूँ, लेकिन दोस्तों छोड़ो इसे ऐसे करके देखते हैं। तो फिलहाल ऐसे मैंने बिना खोले किया है। ओके, तो दोस्तों फ़ोन खोलना ना पड़ जाता अच्छा होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में फ़ोन खोलना पड़ जाता है, लेकिन मैंने खोला नहीं है। तो ठीक है, तो बाकी तो प्रॉपर वर्किंग है दोस्तों, बस मैंने ऐसे ही चेक कर लिया ऑन करके। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से मैंने बैक ग्लास को निकाला है। तो अब क्या करना है आपको, इसकी सफाई करनी है, जो पूरा बैक ग्लास है इसकी, सॉरी बैक सीट जो है प्लेट इसकी स्टील वाली, ये पूरी की पूरी साफ़ कर लेनी है, कहीं से कोई भी दोस्तों डस्ट नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ करनी है। दोस्तों अब हम आते हैं इसको साफ करके पूरा कूड़ा जो है। ठीक है, तो दोस्तों मैं पूरा सफाई करके आ गया हूँ और मैं यहाँ पे इसमें ग्लू लगा रहा हूँ, जो हमारी ग्लू होती है फोटो चिपकाने वाली, इस ग्लू को आपको लगाना है ताकि ये पूरा प्रॉपर अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा चिपका होना चाहिए, क्योंकि ये बैक ग्लास जो है कि कांच के होते हैं, अगर आप साइडों में चिपकाओगे, बीच में ग्लू लगाओगे तो दोस्तों कहीं प्रेशर पड़ेगा तो बीच से चिटक जाएगा, इसलिए पूरा चिपकाना पड़ता है बैक ग्लास को। और यहाँ से इसको कैमरे से आपको तीनों कैमरे और ये फ्लैश लाइट, ये तीनों आपको मिलानी है, यहाँ से यूँ बिठाना है और देखिए इस तरह से यहाँ से यूँ बिठा देना है। ओके, तो दोस्तों एक बार ध्यान से देख लेना कि पूरा का पूरा हमारा बैठ गया हो, तो देखिए यहाँ से बैठ गया है। और ध्यान रखना दोस्तों कैमरे में ज़्यादा दबाना मत, वरना दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको हल्के हल्के हाथों से आपको बस दबाना है, बाकी सब अपने आप काम हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये प्रॉपर अच्छे से एक बार ध्यान से देख लेना, टेप या रबड़ मारने से पहले ही देख लेना कि ये पूरे चारों कोने बराबर हैं कि नहीं। ओके, तो यहाँ से पूरी ग्लू बाहर आ रही है, तो इसको दोस्तों इसको हम बाद में साफ़ करेंगे, पहले हम इसमें हम टेपिंग कर देंगे ताकि हम इसको 2 घंटे तक सूखने के लिए रख सकें, 2 घंटे बाद हम इसको फिर टेप निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने प्रॉपर लगा दिया है, तो अब हमारा काम जो है वो है टेप लगाना। दोस्तों आप रबड़ का यूज़ कर सकते हो या फिर टेप का यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों उसका आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा दोस्तों मैं तो टेप का यूज़ करता हूँ, तो मैं फिलहाल टेप लगा दूँ उसके अंदर ताकि ये सूखने में काम आ जाए। तो दोस्तों मैंने टेपिंग कर दी है सब जगह से, ताकि हमारा ग्लास जो है प्रॉपर अच्छे चिपक जाए। ठीक है, मैंने अच्छे टेप लगा दी है। दोस्तों पूरा टेप से ये होता है कि पूरा पूरा कोना हर जगह चिपक जाता है अच्छे से। ठीक है, तो देखिए पूरा चिपका दिया है। तो दोस्तों अब क्या करना है आपको, उसको 2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। तो दोस्तों अब हम 2 घंटे के बाद आएंगे और उसकी टेप को उतारेंगे और उसके ग्लास को सबको बिल्कुल क्लीन करेंगे, फिर देखेंगे इसकी फिनिशिंग कैसी है। अभी तो ग्लू सब जगह लगी है, दिख नहीं रही है, तो चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 2 घंटे बाद, जो कि हम इसकी टेप निकालेंगे। देखिए 7:45 हो रहा है, हमने 5 बजे करीब इसको लगाया था,
तो चलिए इसकी टेप को उतार देते हैं पहले। तो दोस्तों पूरी टेप उतार दी है और यहाँ से बिल्कुल अब हम करते हैं सफाई। जो भी ग्लू दोस्तों लगी हुई है सारी की सारी, ये जो क्लीनर है हमारा जिससे फोल्डर ग्लू चिपका उठाते हैं, तो ये क्लीनर आपको लेना है और इससे पूरे ही ग्लास में जितनी भी ग्लू लगी है सब कुछ साफ़ करनी है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सफाई करते हैं इसकी। तो दोस्तों मैंने पूरी ग्लू जो है कि अच्छे साफ़ कर दी है और यहाँ बिल्कुल फिनिशिंग है। हल्की फुल्की जो ग्लू है दोस्तों वो तो चलो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगी, तो अब देखिए बिल्कुल ही चमक गया है। ओके, तो देखिए अब क्या करना है, बिल्कुल सब कुछ सब मैंने सब बिल्कुल चमका दिया है, तो इस पर और चमक के लिए इस पर मैं थोड़ी पॉलिश का यूज़ करूँगा। तो ये पॉलिश है तो थोड़ा सा लगा देंगे ताकि चमक आ जाए इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है और देखिए फिटिंग वगैरह क्या मस्त लग रहा है दोस्तों, क्या लुक है। तो देखिए प्रॉपर फिटिंग है, हल्का फुल्की ग्लू है लेकिन वो कोई नहीं अपने आप साफ़ हो जाएगी। और दोस्तों कहीं से कोई भी ज़्यादा गैप नहीं है जिससे कि कोई भी बेकार लगे, बिल्कुल कहीं से दोस्तों कोई गैप नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप यूजर हो तो ये मत सोचना कि मुझे एक कंपनी वाली फ़िटिंग चाहिए। तो दोस्तों कंपनी की जो फिटिंग होती है वो मशीनों द्वारा होती है, चारों तरफ कवर होता है और वाटर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हाथों की फिटिंग में थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है लेकिन वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन ये है कि दोस्तों आपकी जो मेन दिक्कत है ग्लास की वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर जैसा था वैसा हो जाएगा, बस 19-20 का फ़र्क है दोस्तों, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, सेम टू सेम होता है। ठीक है, इस तरह दिखाई देता है। तो देखा दोस्तों किस तरह से मैंने आईफोन 11 प्रो मैक्स के बैक ग्लास को निकाला और इसको लगाया। मैंने जो समझाया दोस्तों यही सब कुछ करना होता है, कोई बड़ा काम नहीं था दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला दोस्तों। कमेंट्स करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।